अगर आप मेरी तरह एश किचम के फैन और पोकेमॉन होराइजन अभी तक नहीं देखा है तो बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। यस, पोकेमॉन इजंट द सेम एनिमे एनीमोर। अब फाइनली वो टाइम आ गया है जहाँ पोकेमोन में एश किचम नहीं है एंड अभी ना चाहते हुए भी कुछ नए प्रोटैगनिस्ट के साथ कंटिन्यू करना पड़ रहा है। बट इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पोकेमोन एश किचम के बिना कैसा लग रहा है और क्या ये नए प्रोटैगनिस्ट हमारे पोकेमोन जैसे बड़े एनिमे को संभालने के लायक भी है या फिर नहीं। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा ऐसे स्ट्रॉन्ग रीजंस और हिंट्स जिनके वजह से हमें पोकेमोन में एश किचम दोबारा देखने मिल सकता है, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। तो फिर विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन। पोकेमोन द वर्ड इटसेल्फ डिनोट्स द ग्रेट एंड एपिक स्टोरी लाइन ऑफ एश किचम एंड पिकाचू जिसको हम हमारे चाइल्डहुड से देखते आ रहे हैं और 20 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं पोकेमोन एश किचम और पिकाचू के साथ ही चल रहा है एंड इतने सारे लीग्स बैटल्स और चैंपियनशिप जीतने के बाद हमारे एश किचम को बिना पोकेन मास्टर बनाए ऐसे अलविदा देना अच्छा थोड़ी है। विथ नो गुड फेयरवेल नथिंग। और अचानक से पोकेमोन ने अपने नए एनिमे को लॉन्च करने के चक्कर पे सब फटाफट से कर दिया। पोकेमोन एम टू बी अ पोकेमोन मास्टर एक ऐसी सीरीज जिसका मेरे हिसाब से तो कोई मतलब नहीं था क्योंकि इसमें ना तो एश को कुछ अच्छे से दिखाया गया है बट फिर भी हमें वो दिखाई गई एज अ फेयरवेल ऑफ एश एंड पिकाचू स्टोरी। पोकेमोन होराइजंस की वजह से नेट्रो की स्पीड से पोकेमोन एम टू बी अ पोकेमोन मास्टर को खत्म कर दिया गया और एंड में इसमें एश को पोकेमोन मास्टर बनाया नहीं तो सीरीज क्यों लाए भाई। बट इसमें भी एक ट्विस्ट छुपा हुआ है जो कि है नेक्स्ट टाइम अ न्यू बिगिनिंग। अब ये एश और पिकाचू के बारे में भी हो सकता है या फिर होराइजंस को लेकर एक टीजर हो सकता है। वेल, इसके ऊपर हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे, फिलहाल बात करते हैं पोकेमोन एश किचम के बिना कैसा लग रहा है। जैसे कि मैंने बताया पोकेमोन एक ऐसा ग्रैंड शो नहीं एक ऐसा ग्रैंड एनिमे है जिसको एश और पिकाचू के बिना इमेजिन ही नहीं किया जा सकता। आई रिपीट, इमेजिन ही नहीं किया जा सकता और यहाँ तो रिप्लेस ही कर दिया गया। ये कुछ ऐसा है जैसे कि डोरेमोन में से डोरेमोन और ड्रैगन बॉल में से गोकू को हटा दिया जाए। Yes, कुछ नया ट्राई करना अच्छा ही होता है बट उसके लिए ऑलरेडी इतने मल्टीवर्सल कॉन्सेप्ट्स पड़े थे पोकेमोन में जैसे कि ट्विलाइट विंग्स जनरेशंस और ओरिजिन्स और न जाने कितने सारे। ओरिजिनल टाइमलाइन में से हमारे एश को हटाना मतलब पूरे पोकेमोन को हिलाने जैसा है। एक ऐसा एनिमे जो कि बेस्ड ही एश और पिकाचू के ऊपर हो तो उसके साथ ऐसी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए क्योंकि हम सब पोकेमोन वर्ड एश और पिकाचू के वजह से ही बोलना सीखे, तो अगर आप पोकेमोन में से पोकेमोन की वाइब को ही हटा दोगे तो काम कैसे चलेगा। अब बात करें पोकेमोन होराइजंस की तो वो एक बहुत ही प्यारा और अच्छा एनिमे बट उसे एक मल्टीवर्सल कॉन्सेप्ट में डाल के यानी कि अलग यूनिवर्स में डाल के हमारे एश किचम को सही सलामत रखते हमारे पास रखते तो क्या ही बिगड़ जाता। और बाद में इन सब का कोई मल्टीवर्सल क्रॉसओवर कराते जैसा कि हम लोग को मार्वल की मूवीज में देखने मिलता रहता है तो वो कितना अमेजिंग होता। लगता है पोकेमोन में मुझे ही राइटर होना चाहिए है ना, क्योंकि एश किचम हैज ऑलरेडी इंपैक्टेड सो मच ऑन अस एंड मेड हिज लेगेसी सो अमेजिंग, तो उसके सामने ये बच्चे फीके पड़ रहे हैं। They are not doing anything much good like Ash Ketchum. हाँ, अगर Ash को replace करना ही चाहते थे, हम fans नहीं चाहते Ash replace हो, but फिर भी अगर करना ही था, तो उसकी तरह Red या फिर कोई powerful characters को दिखाते, तो बात बन सकती थी। But ये तो Ben 10 reboot की तरह है, तो anime कैसे चलेगा मेरे भाई? और ज्यादातर reviews सब fans की यही हैं कि उन्हें Pokemon Horizons नहीं पसंद आ रहा है, मुझे खुद भी, but इसके ऊपर मैं एक review video ला रहा हूँ, जिसमें मैं plus और minus points की बात करूँगा Pokemon Horizons को लेकर। पोकेमोन अब अच्छा नहीं लग रहा बिकॉज एश किचम जो शो की मेन आनबान शान है और पिकाचू जो कि इतना अमेजिंग है उन्हें रिप्लेस कर देना मतलब पूरे शो को तबाह करने जैसा है। और एश को अभी तक पोकेमोन मास्टर भी नहीं बनाया और ऐसे ही हटा दिया गया तो ये किसी को पसंद नहीं आया। बट इसमें भी एक ट्विस्ट है मेरे भाई, अब ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर एश पोकेमोन मास्टर बन जाता तो उसका कैरेक्टर पोकेमोन में से खत्म हो जाता, बट पोकेमोन वाले टेस्ट कर रहे हैं पोकेमोन होराइजंस को कि ये चलता है या नहीं, और अगर ये सीरीज सक्सेस कर जाती है तो वो लोग एश किचम को पूरी तरह खत्म कर देंगे, तो वो लोग पोकेमोन मास्टर एश को बना देंगे एक अलग सीरीज में, क्योंकि एम टू बी पोकेमोन मास्टर के लास्ट में हम लोग को दिखाया गया नेक्स्ट टाइम अ न्यू बिगिनिंग, मतलब उसका कुछ पार्ट टू एम टू बी पोकेमोन मास्टर सीरीज का कोई पार्ट टू दिखा देंगे जिसमें एश को पूरी तरीके से पोकेमोन मास्टर बना देंगे और उसका कैरेक्टर खत्म कर देंगे और लीको और रॉय जैसे कुछ नए एनिमे प्रोटैगनिस्ट पर पोकेमोन को छोड़ देंगे। जैसे जब गो का कैरेक्टर पोकेमोन जर्नीज में आया था तब पोकेमोन में एश को हटाने की बात चल रही थी, बट एंड में क्या हुआ, गो को इतना हेट मिला कि उन्हें स्टोरी एश पे फोकस करनी ही पड़ी और बाद में उसको चैंपियनशिप्स में जिताना ही पड़ा। तो ये होती है फैंस की पावर एंड द सेम थिंग इज हैपनिंग नाउ। पोकेमोन होराइजंस किसी को इतना खास पसंद नहीं आ रहा है और दैट्स व्हाई एश को पूरी तरीके से पोकेमोन मास्टर भी नहीं बनाया है, क्योंकि अगर पोकेमोन होराइजंस फ्लॉप हो जाता है जो कि हो रहा है धीरे धीरे, तो पोकेमोन वालों के पास एश किचम रहेगा उसकी स्टोरी को वापस कंटिन्यू दिखाने के लिए, तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो एश किचम को वापस आने से कोई नहीं रोक सकता। ऊपर से मल्टीवर्स में एश किचम हमारा ऑलरेडी मौजूद है आई चूज यू वाली मूवी से, उसके ऊपर मूवीज और इतने सारे सीरीज आते रहते हैं तो वहां पे एश किचम का कैरेक्टर हम लोग को देखने मिलता है, बट हमारे ओरिजिनल एश की बात ही अलग है।
और अगर पोकेमोन होराइजन्स को ऐसे ही फैंस ने पसंद नहीं किया तो ऐश को रिटर्न आने से कोई नहीं रोक सकता। सो या दैट्स इट फॉर नाउ गाइस, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ऐसे ही पोकेमोन वाले वीडियोस के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पे पोकेमोन के बारे में ही बात करता रहता हूँ। आप लोगों को यहाँ पे पोकेमोन रिलेटेड कंटेंट ही मिलता है, तो इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना। और अगर मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टा पे भी फॉलो करो, वहाँ पे हम लोग के 5K फॉलोवर्स पूरे होने वाले हैं और चैनल पे 100K सब्सक्राइबर्स जल्दी करने, इसलिए सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑन करो और इस वीडियो को जितना हो सकता है ऐश के फैंस के साथ शेयर करो, ताकि सबको ऐश की इंपॉर्टेंस मालूम चले एंड फैंस भी इस बात को समझ पाए। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे फिर किसी अमेजिंग वीडियो में। जब तक के लिए ड्रू पोकेमोन और एनिमे फैन बने रहे। गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।